नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। मुख्य सेविका एग्जाम के संबंध में बड़ी सूचना है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग मुख्य सेविका की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आज हम बात करने वाले हैं यूपी 3SSC मुख्य सेविका के बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, इस बुक में आपको 2000 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे और पूरी पुस्तक को नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार किया गया है। देख सकते हैं मुख्य सेविका की भूमिका, विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म, भाषाएं, सामाजिक समस्याएं, ठीक है, पूरी पुस्तक को सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरी पुस्तक एकदम नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार किया गया है। इस पुस्तक को आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पूछते हैं कि सर ऑनलाइन कैसे करें खरीदें, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर जाकर खरीद सकते हैं लिंक पर क्लिक करके, या फिर आप लोग इसको नजदीकी कॉपी किताब की दुकान पर भी खरीद सकते हैं। दोस्तों चक्षु प्रकाशन की और बहुत सारी किताबें आती हैं, चाहे यूपी टेट की हो, सी टेट की हो, सामान्य हिंदी की हो, टीजीटी पीजीटी की हो, पुलिस कांस्टेबल की हो, लेखपाल की हो, पेट की है, आप इसको भी खरीद सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए बहुत सारे बच्चे मुख्य सेविका को लेकर बहुत सारे परेशान रहते हैं कि सर मेरा 48 मार्क्स बना, मेरा 38 मार्क्स बना, मेरे 20 मार्क्स बन रहा है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मेंशन कर देना कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, क्योंकि मुख्य सेविका परीक्षा की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों को क्वेश्चन आता है। तो बच्चों सबसे पहले बता दूं, आपके अगर दो भी नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल मुख्य सेविका के एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि फॉर्म दोस्तों ज़्यादा पड़े नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ अनिवार्य सब्जेक्ट किए गए थे जिसके कारण फॉर्म की संख्या बहुत पड़ी हुई, ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी पीईटी नहीं दिए हैं। तो बेहतर मौका है इस बार अपना सिलेक्शन करने का बच्चों, तो इस बार आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपना एक सीट को सुनिश्चित करिए। दूसरी बात मुख्य परीक्षा को लेकर दोस्तों, जो आप लोगों का परीक्षा की डेट को लेकर जो आप लोगों की आशंकाएं बनी हुई हैं, देखिए अभी तो पेट का एग्जाम होगा, फिर वीडियो का एग्जाम होगा, उसके बाद मुख्य सेविका का एग्जाम होगा। अभी मान के चलिए दोस्तों अभी भी आपके पास 3 महीने का टाइम बचा हुआ है, 3 महीने बाद ही आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी दोस्तों दिसंबर के लास्ट तक आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। और किसी प्रकार का कोई इंक्वायरीज हो तो क्वेश्चन मेंशन कर देना, मैं आप लोग के हर कमेंट्स को रीड करता हूँ। जय हिंद जवाब।